एक ऐसा चमत्कारी पौधा जिसे खाने के बाद प्रेग्नेंट महिलाओं को डिलीवरी के समय बिल्कुल दर्द नहीं होता। एक ऐसा पौधा भी है जिसके अंदर से निकलने वाला पानी अगर आपने पी लिया तो आपकी उम्र 100 साल की हो सकती है। क्या आपको पता है कि ये कौन से पौधे और इस पौधे के नाम क्या है और ऐसे पौधे कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। बैम्बू यानी बांस एक ऐसा पौधा जिसका तना स्ट्रेट टॉल सिलेंडर होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल होता है। इसके तने का इस्तेमाल पेपर, फर्नीचर, स्ट्रोस, टूथपिक, चॉपस्टिक्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने में किया जाता है। शायद इसीलिए पिछले कुछ सालों से दुनिया भर में बैम्बू फार्मिंग का ट्रेंड काफी बड़ा है। दोस्तों, बांस की बड़े पैमाने पर खेती अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और प्रशांत क्षेत्रों में की जाती है। अगर कंट्रीज की बात करें तो बांस की खेती अत्यधिक रूप से चीन, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ब्राजील और म्यांमार के अलावा भारत जैसे देशों में भी की जाती है। वैसे तो बांस के पौधे का साइंटिफिक नेम बैम्बूसा बुल्गारिया से, लेकिन भारत में बांस के पौधे को हरा सोना कहा जाता है। बांस के बने प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली होते हैं, साथ ही बैम्बू फार्मिंग में मेहनत कम लगती है और कमाई बहुत अच्छी होती है, जिस वजह से दिन प्रतिदिन दुनिया भर में बांस की खेती का क्रेज बढ़ रहा है। बैम्बू फार्मिंग के साथ एक सबसे अच्छी बात ये भी है कि बांस की खेती से बंजर जमीन को भी सही बनाया जा सकता है। इसी के साथ ही बांस दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक है। जैसे वुड बांबू, ये एक नेचुरल कंपोजिट मटेरियल है। इसकी स्ट्रेंथ सॉफ्टवुड और हार्डवुड के समान होती है। ये किसी भी मौसम में खराब नहीं होता। बांस की फसल को एक बार लगाकर कई सालों तक इससे उपज लिया जा सकता है। बांस की खेती के लिए किसी भी खास तरह की मिट्टी की जरूरत नहीं होती। इसे किसी भी सूखी मिट्टी में उगा सकते हैं, लेकिन रेतीली दोमट मिट्टी में बांस के पौधे अधिक तेजी से विकसित होते हैं। इसकी खेती के लिए जमीन 4.5 से 6 PH मान वाली चाहिए होती है। बांस के पौधे वार्म टेम्परेचर और ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसमें अच्छे से विकास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस जलवायु में बांस के पौधे प्रतिदिन 3 इंच तक बढ़ जाते हैं। वैसे इसके पौधे पर जलवायु परिवर्तन का कोई खास असर देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये अत्यधिक ठंडा और दलदल में भी बहुत अच्छी वृद्धि करते हैं। दोस्तों, बांस के पौधे को अधिक सिंचाई की भी जरूरत नहीं होती है। इसके पौधों को केवल शुरुआत में ही नमी की जरूरत होती है, इसलिए कम वर्षा वाले क्षेत्र या शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए सूखे कार्बनिक पदार्थ हो या सूखे पत्तों को गीला करके घास की तरह पौधे के चारों ओर फैला दिया जाता है, जिससे अंकुरों को जन्म लेने में आसानी होती है। बांस के पौधे सामान्य तौर पर 5 वर्ष में कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसकी कुछ किस्में कटाई के बाद भी अपने आप फिर से वृद्धि कर लेती है। कटाई के बाद बांस के पेड़ों को प्रोसेसिंग एरिया में ले जाया जाता है, जहां इनसे हमारे जरूरत के कई सारे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर प्लाईवुड आता है। प्लाईवुड प्रोडक्शन के लिए बैम्बू पोल्स को बराबर आकार की पट्टियों में बांटा जाता है। उसके बाद बांस की इन पट्टियों को पॉलिश करके सुखाया जाता है। फिर क्लाइंट्स की जरूरत के अनुसार इन पट्टियों को विभिन्न आकृतियों में मोड़ा जाता है। एक बार बांस के पट्टियों को अलग अलग आकृतियों में मोड़ देने के बाद उनकी क्वालिटी की जांच की जाती है। नेक्स्ट स्टेप में बैम्बू स्ट्रिप्स को ग्लू अप्लाई किया जाता है और फिर बैम्बू स्ट्राइप्स को एक के ऊपर एक रखकर प्रेस किया जाता है, जिससे आपको बैम्बू प्लाईवुड बनकर तैयार हो जाता है। बैम्बू प्लाईवुड को चारों ओर से बड़े सावधानी से काट कर एक निश्चित आकार दिया जाता है, जहां इनकी मोटाई को भी ध्यान में रखा जाता है। मोटाई अधिक होने पर उन्हें सावधानी पूर्वक मशीन की मदद से रेत दिया जाता है। जब बांस प्लाईवुड की चादरें बनकर पूरी तरह से रेडी हो जाती है, तब इन्हें पैक करके ट्रांसपोर्टेशन के जरिए क्लाइंट्स तक पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, प्लाईवुड के बाद बारी आती है स्ट्रोक की, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाहे पानी हो या अन्य पेय पदार्थ या फिर कोई अन्य लिक्विड ही क्यों ना, उसे पीने के लिए स्ट्रोक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से एनवायरनमेंट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मार्केट में प्लास्टिक के स्ट्रोक की जगह बांस के स्ट्रो ने जगह ली है। बैम्बू स्ट्रोस एक कम्प्लीटली नेचुरल प्रोडक्ट है, जो रिन्यू भी हो सकते हैं। ये टॉक्सिक प्लास्टिक और एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन से इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी के साथ बैम्बू स्ट्रोस के अन्य फायदे भी है, जैसे कि ये वजन में हल्के होते हैं, इनका उपयोग करना आसान होता है, ये हेल्थ के लिए भी सेफ होते हैं, और सबसे जरूरी, इन्हें मल्टीपल टाइम्स रीयूज किया जा सकता है। इनका यूनिक और अट्रैक्टिव कलर किसी भी पार्टी या इवेंट को एक नया और ब्यूटीफुल लुक देने का काम करता है। दोस्तों, स्ट्रोक के बाद अगला नंबर आता है फर्नीचर्स का। आज के समय में बांस के कई तरह के फर्नीचर बनाए जाते हैं, जिसमें सोफा, कुर्सी, मेज, बुक्स, अलमीरा, दरवाजे, बेड, सीढ़ी जैसी तमाम चीजें शामिल हैं।
वेल, बैम्बू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल नेचर के होते या अन्य लकड़ियों के मुकाबले लंबे समय तक चलते, इसलिए इससे बनाए जाने वाले फर्नीचर भी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते। साथ में ये काफी हल्के भी होते, इन्हें आसानी से इधर से उधर ले जाया जा सकता है। दोस्तों, इसीलिए आज के समय में घर हो, ऑफिस हो, रेस्टोरेंट, होटल या फिर कोई अन्य जगह, सभी जगह इंटीरियर डेकोरेशन के तौर पर बांस के बने फर्नीचर्स व अन्य वस्तुओं को उपयोग में लाया जाता है। बांस से बने फर्नीचर्स दिखने में भी काफी सुंदर और मॉडर्न लगते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई बांस से बने प्रोडक्ट्स की बात, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया भर में कई ऐसे देश है जहां बांस का इस्तेमाल एक फूड इंग्रेडिएंट के तौर पर भी किया जाता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, बांस के कॉपरों का इस्तेमाल फूड इंग्रेडिएंट्स के तौर पर भी किया जाता है। इवन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें अपना भारत भी शामिल है। प्राचीन काल से यहाँ बांस के कोपलों का इस्तेमाल फूड इंग्रेडिएंट्स के तौर पर किया जाता है। जिन्हें बांस के कोपलों के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दें कि बांस के कोपल बांस के युवा पौधे होते, जिसे बटने से पहले ही काट दिया जाता है। ये हल्के पीले रंग के होते, इनकी महक तेज होती है और इनका स्वाद बेहद ही कड़वा होता है। इसका इस्तेमाल सब्जी, अचार, सलाद सहित अन्य प्रकार के फूड्स बनाने में किया जाता है। वैसे आपको बता दें कि बांस के कोपलों में प्रोटीन और फाइबर जैसे न्यूट्रिशंस अत्यधिक मात्रा में पाए जाते, जो कुपोषण से लड़ने में काफी मददगार साबित होते। इसके अलावा बांस के कोपलों में विटामिन सी, थायमिन, विटामिन बी सिक्स, फॉस्फरस, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, प्रोटीन, विटामिन ई और आयरन जैसे कंपोनेंट्स भी पाए जाते। इसीलिए आज के समय में बांस के कोपलों का इस्तेमाल मेडिसिन के तौर पर भी किया जाता है। दोस्तों, साल 2009 में न्यूट्रिशन नामक जनरल में एक स्टडी प्रकाशित हुई थी, जिसके मुताबिक बांस के कोपलों में बड़ी मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं, जो खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में मदद करते हैं। और ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित होने से हृदय रोग का काफी खतरा कम हो जाता है। साल 2016 में भी जर्नल ऑफ कैंसर साइंस एंड थेरेपी में एक स्टडी प्रकाशित हुई थी, जिसके अनुसार बांस में कुछ मात्रा में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जो कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले कारकों को रोकने में कैपेबल होते। ऐसे में बांस के कोपलों का नियमित सेवन महिलाओं को स्तन कैंसर से बचा सकता है। इतना ही नहीं, साल 2011 में प्लांट मेडिकल नामक जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन बताता है, बांस के कोपलों में गर्भाशय यानी कि यूट्रस को शक्ति प्रदान करने वाले एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाओं को डिलीवरी में होने वाली समस्याओं से बचाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि दुनिया भर में पाए जाने वाली बांस की सभी प्रजातियों में से केवल 110 प्रजातियों के बांस के कोपलों को ही खाया जा सकता है। बांस के अन्य प्रजातियों में जहरीले तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए किसी भी बांस के कोपलों का सेवन करने से पहले आप उसकी अच्छे से जांच परख ले, वरना कहीं इसका सेवन आपके लिए घातक साबित न हो जाए। तो दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि क्या आपने कभी बांस के कोपलों को खाया है? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और भी फैक्ट वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसके लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। धन्यवाद।